गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम देंगे आपको CDP का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं। तो बताइएगा कि इसमें कितने नंबर आपके आते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था। द्वितत्व की बात कहते ना, तो ये दिया स्पीयरमैन ने। कौन कौन से दिए? जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, दो दिए। ठीक है, याद रखना। जेम्स ट्रेवर ने क्या दिया बताओ? इनने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है, याद रखना। एक तत्व का सिद्धांत पूछ ले तो बिने ने दिया है। ठीक है, त्रिकारक सिद्धांत पूछ ले तो किसने दिया? कैरोल ने दिया है। त्रितंत्र सिद्धांत पूछ ले तो स्टर्नबर्ग ने दिया है। और 3D मॉडल पूछ ले तो गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, याद रखना। त्रिकारक जो मैंने बताया ना, एक है त्रिस्तर। ठीक है, त्रिकारक भी सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, मगर त्रिस्तर सिद्धांत वो कैरोल ने दिया था। ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो ये की थी बुंट ने। कब की थी? 1879 में की थी। कहाँ? लिप्जिंग शहर और जर्मनी में की थी। इसे ही अब क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं, याद रखना। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो आप? बस इतना ही याद रखना। अच्छा देखो, चेतना वगैरह की बात इन्होंने की थी। चेतना की बात किसने की थी? बुंट ने की थी। ठीक है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। 1882 मनोविज्ञान की लंदन में, लंदन में एक देखो, एक तो 1879 खुली थी लैब, फिर खुली थी 1882 में। 1882 में कहाँ किसने खोली थी? अल्फ्रेड बिने ने। एक कारक सिद्धांत दिया था ना, जिसे ही निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, याद है? तो इसी ने खोली थी लैब। ठीक, केटल ने क्या दिया था? 16 PF मॉडल दिया था, 16 PF मॉडल। तरल या ठोस सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखना। वुडवर्थ ने बताया था हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होते हैं। गाल्टन की किताब है हेरिडिटी जीनियस। ठीक है, और व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर काम किया है इसने। किसके? व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट, कौन सा मनोवैज्ञानिक, नहीं केवल मनोवैज्ञानिक, बायकोत्स्की कहाँ के थे? ये रूस के थे। फ्रांस के कौन थे? बिने थे। बस जापान और चीन के हम पढ़ते नहीं। बायकोत्स्की ने क्या दिया था? सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी। अब देखो, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी पूछ ले तो ये यूरी ब्रॉन फेनर की है। ठीक है, यूरी ब्रॉन फेनर की। ये किससे प्रभावित थे? ये बायकोत्स्की से प्रभावित थे। बायकोत्स्की ने और क्या दिया है कॉन्सेप्ट? इन्होंने दिया रेसिप्रोकल टीचिंग का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, स्टर्नबर्ग ने कहा है। इन्होंने तीन तरीके की बुद्धि बताई थी, ACP। ठीक है, प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल, और ये वाली फिर मेरे दिमाग से मिस हो गई, इसे आप लोग बताना। ठीक है, और मेयर ने क्या दिया था बताओ? और साल्वे ने क्या दिया था? चलो छोड़ देते हैं अभी से। नेक्स्ट, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के हिसाब से किया? तो ये किया था ओझा ने। किसने किया था? ओझा ने। किलफोर्ड का तो 3D मॉडल है। 120 कारक बताए थे इन्होंने, 120 फैक्टर शुरुआत में, अभी फिलहाल में 180 फैक्टर चल रहे हैं इनके। ठीक है, अब संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये तीन चीज़ बताई थी। संक्रिया में क्या क्या बताया था इन्होंने? अपसारी, अभिसारी, संज्ञान, स्मरण, मूल्यांकन। और प्रणाली किसमें बताई थी? प्रणाली इसमें बताई थी, उत्पाद में। ठीक है, नेक्स्ट, किस अविक्षमता को AST, तो ए से आर्म सर्विस अविक्षमता कहते हैं। क्या है? आर्म सर्विस अविक्षमता, याद रखना। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया था? तो ये दर्शन शास्त्र में किया था। इसीलिए मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ठीक, अरस्तु, देखो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के थे सुकरात, याद रखना। ये पूछ लेता है कभी कभी ऑर्डर। ठीक है, इस्पा से याद कर लेना, SPA इस्पा। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रण करना है? तो ये होता है क्या? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण होता है अपने व्यवहार को नियंत्रण करना। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा 9 का? ए। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मैंने मनोविज्ञान के जनक तो बता दिए कौन? अरस्तु। मगर ये पूछ ले आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो बुंट होंगे। जेम्स मत लगाया ना, जेम्स को अमेरिका में कहते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ना, बुंट भी था ऑप्शन में और जेम्स भी था। कहाँ पे पूछा गया था? राजस्थान में। आंसर माना था बुंट, याद रख लेना। ये किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? आत्म प्रबलन। आत्म प्रबलन क्या कहा जाएगा? आत्म प्रबलन। ठीक है, व्यक्त करने को क्या कहेंगे? प्रबलन। नेक्स्ट,
किस परीक्षण में 10 स्याही के डब्बे होते हैं, तो ये किस में होते हैं, रोडसा स्याही परीक्षण में होते हैं, 1921 में आया था, व्यक्तित्व का है, ठीक है। अब इसमें 5 काले सफ़ेद होते हैं, 2 काले लाल होते हैं, 3 बहुरंगी होते हैं। MMPI क्या है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, 567 इन्होंने कारक बताए हैं इसमें, ठीक है। 10 नैदानिक और 3 वैधता परीक्षण भी दिए MMPI में, और किस किस ने दिया था, हैथवे और मैकिनले ने दिया था, किस किस ने, हैथवे और मैकिनले। 16 PF तो पता है कैटल का है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक का दबाव रहता है, तो ये 50 से 70% रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, 18 से 24 साल के उम्र में बच्चा कौन सी स्पीच बोलता है, तो ये टेलीग्राफिक स्पीच है, याद रखना। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, ये किसने की किताब है, तो देखो ब्रेन मतलब दिमाग, दिमाग पर क्या लगाते हैं, कैपलिन, कैप लगा लेते हैं, याद रखना। असामान्य मनोविज्ञान के जनक, ये सिगमंड फ्राइड है। गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक, यही है। मनोविश्लेषण के जनक, यही है। मनोलैंगिक सिद्धांत के जनक, यही है, ठीक है, याद रखना। एडलर ने इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया था, शिष्य ये फ्राइड गई हैं। जोंग ने क्या दिया था, अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी, और क्या दिया था, सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया था, ठीक है, याद रखना। और क्या दिया था इन्होंने, दिया था वर्ड टेस्ट दिया था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि व्यक्तित्व का सर्वोत्तम जो वर्गीकरण है वर्तमान में, वो किसने किया हुआ है, तो वो किया हुआ है युंग ने। अच्छा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बताया था ना, वो इन्होंने ही दिया था, 100 शब्द दिए थे उसमें, याद रखना। ये इनकी एक किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्सियस, कौन सी है, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्सियस, याद रखना ये, ठीक है। और इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर दिया था अपना वर्गीकरण, किसके आधार पर, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, और बर्ड एसोसिएशन टेस्ट 1909 में दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, तो ये हिप्पोक्रेटस है। सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया था, काला पित्त पीला पित्त लाल और कफ, ठीक है, याद रखना। ये आईजेंग की थ्योरी है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिज्म और साइकोटिज्म, 4 चीज़ें बताई थी इस तरीके से, ठीक है, याद रखना। इनकी बुक का नाम पता है क्या है, द क्रिएटर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, द क्रिएटर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, याद रखना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, क्रिएटर याद रख लो, आइजेंक क्रिएटर, ऐसे याद रखो। आई मतलब क्या होता है, मम्मी, मम्मी होती है क्रिएटर, हम लोगों को मम्मी ने। सामूहिक पागलपन के परिणाम किस शताब्दी में मिले, तो ये मिले 10 से 16वीं शताब्दी के बीच, याद रखना। मन आयु विकृति, मतलब आपके मन में डाउट हो जाएगा कि आप पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, तो ये कहते हैं आशंका। चोरी करने की आदत को कैसे छोड़ाओगे बताओ, तो ये दो उन्हें उदाहरण देकर, कैसे उदाहरण, पारितोषिक मतलब पता है क्या, उन्हें और बढ़ावा दो कि भैया खूब चोरी करो, तो ये अच्छी चीज़ों के लिए पारितोषिक करते हैं, गंदी चीज़ों के लिए नहीं करते। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अधिगम में शिक्षा का योगदान क्या है, व्यवहार परिवर्तन समायोजन नवीन अनुभव प्राप्ति सभी में, ठीक है। थकान का कारण क्या होता है, कारण नहीं है, तो थकान का कारण कभी भी विश्राम नहीं हो सकता। आधुनिक युग में मानसिक स्वस्थ रहने किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो जीवन की अस्थिरता है ना, तो इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। लिंग का निर्धारण कौन करता है, देखो दो होते हैं, XX होते हैं, एक XY होता है, XX मम्मी में पाया जाता है, XY पापा में पाया जाता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो बेटा पैदा होगा X और Y से, X और X मिलेंगे तो बेटी पैदा होगी। देखो एक चीज़ याद रखना, X जो गुणसूत्र होता है ना, ये बड़ा होता है, Y गुणसूत्र छोटा होता है, ये भी याद रख लेना, जरूरी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिता के द्वारा होता है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सिर से होता है, सिर से पैर की ओर होता है ना, और मध्य से बाहर की, इसे क्या कहते हैं, सिरोदुमुखी विकास कहते हैं, या क्या कहते हैं, सेफलोकॉडल कहते हैं इंग्लिश में। आंसर हो जाएगा ये, विकास कभी ना ख़त्म होता है, निरंतर चलता रहता है, याद रखना। विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और यही नियम किस में लागू होता है, निगमन विधि में। नेक्स्ट है जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की, अगर जन्मोत्तर ना लिख के आए ना तो आंसर अलग होगा, जन्मोत्तर लिख के आए तो आंसर अलग होगा। जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद के विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था होती है बाल्यावस्था। अगर ये यहाँ से यहाँ तक काट दूँ मैं और विकास की दूसरी अवस्था पूछे फिर, तो फिर इसे लगा के आना शैशवावस्था को, क्योंकि गर्भावस्था को भी ना अवस्था मान लेते हैं, अगर ये वाली से लाइन ना लिखी हो इतनी, तो दोनों बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ होता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मटर के दाने के समान होती है, याद रखना। एक और होती है कौन सी, हाइपोथैलेमस, जो हमें भूख प्यास और हमारे शरीर का टेम्परेचर, जो कि 37 डिग्री
सेंटीग्रेड होता है, इन सब चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, याद रखना। वीर पूजा की भावना आती है किशोरावस्था में। अति संरक्षणशीलता, संरक्षण पता है किसका करना है, अपनी पुरानी परंपराओं का, तो इससे क्या बनेगा बच्चा, आदर्शवादी बन जाएगा। एक बार आप लोग भी इस वाले में ना क्वेश्चन नंबर 27 बताना, सुझाव बताना क्या होगा, कि मैंने जहाँ से पढ़ा है ना वहाँ ये लिख रहा था, अति संरक्षणशीलता मतलब अपनी पुरानी परंपराओं को संरक्षण करोगे ना तो आदर्शवादी बनता है बच्चा उससे, ठीक है, याद रखना। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर एवं कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चिन्ह भाषा और भाषा दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों को शिक्षा देने के लिए किया जाता है, तो एक दिया जाता है मंदित श्रवण वाले, तो श्रवण मतलब सुनना, सुनने में दिक्कत है तो उन्हें क्या चिन्ह वगैरह से सिखा दो। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, इन्हें किशोर कहा जाता है। अच्छा, आज आप लोगों के लिए काम ये कि विनय कहाँ के रहने वाले थे, पावलव का पूरा नाम क्या है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये नहीं बताना, बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।